हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने वाले कि इस टाइप का आई लोगो इलस्ट्रेटर में कैसे बनाते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आर्ट बोर्ड बना लिया है इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पर चार कलर पहले भी ग्रेडियन कलर ले लिए हैं। उसका कलर कोड मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इक्लिप्स टूल लूँगा, और यहाँ से मैं एक इक्लिप्स बनाऊंगा। उसको मैं अभी सिंगल कलर दे दे रहा हूँ, ब्लैक, और इसको मैं अलाइन टू आर्ट वर्क कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे पेन टूल का यूज़ करेंगे, वहाँ पे एंकर पॉइंट टूल यूज़ करेंगे, और ये दो हमारे साइड वाले हैं वहाँ पे ये क्लिक करेंगे। तो आपका ये आई टाइप का आकार बन गया है। अभी हम सर्कल का यूज़ करेंगे, यहाँ से क्लिप्स टूल लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। शिफ्ट के साथ मैंने दबाया है और उसका रेड कलर दे देता है। और यहाँ पे मैं पहले कंट्रोल आर करके साइड का रूल पैनल ला देता हूँ, और इसको ट्रैक करके मैं इसका एक सेंटर निकाल देता हूँ। पहले उसको लॉक कर देता हूँ, गाइड, लॉक गाइड, जिससे बार बार हमको परेशानी नहीं आएगी बनाने में। अब ये सर्कल का मैं यूज यहाँ पे करने वाला हूँ। इसको थोड़ा इक्लिप्स स्टाइल का बनाऊंगा, थोड़ा शेप देने में अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा और खींचता हूँ। तो ये हमारा एक ये शेप रेडी है। इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और उसको मैं इस तरफ खींचता हूँ, दो तीन चार और एक। यहाँ पे कंट्रोल वाई करेंगे तो हमको दिखाई देगा बराबर मालूम। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इससे थोड़ा पतला सा लाइन बनेगा। अभी मैं कंट्रोल वाई कर देता हूँ और ये तीनों शेप को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, और अभी जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं शेप बिल्डर टूल से मिटा देता हूँ। अल्ट क्लिक करूँगा तो हमारा पार्ट माइनस हो जाएगा। ये सब को हमें मिटाना होगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। जूम करने से बराबर मालूम पड़ेगा कि कौन सा पार्ट मिटाना है कौन सा नहीं मिटाना है। वो कंट्रोल वाई करेंगे, कलर मोड में आ जाएंगे। अभी जो हमारा ये वाला पार्ट है उसको हम ये वाला कलर देंगे। बाद में जो ये वाला पार्ट है उसको भी हम सेम ही कलर देंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, मतलब फ्लिप कर देंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट में जाऊँगा और यहाँ से फ्लिप कर दूँगा। और जो ये बीच वाली हमने पट्टी बनाई थी उसका भी वही सेम कलर देंगे, लेकिन उसको भी हम फ्लिप कर देंगे। और जो वहाँ पे था उसका यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर देंगे, तो हमें थोड़ा वहाँ पे डेप्थ मिलेगी और वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा वहाँ पे, इस टाइप का। अभी ये हम जो तीन शेप है और ये, इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, और उसको रोटेट करते हैं। और जो ये तीनों ग्रुप बनाए थे उसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा ओवरलैपिंग कर देते हैं उसके यहाँ पे।
तो हमारा दूसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने कॉपी कर लिया है। अभी ये वाले पार्ट को हम ऐड कर देंगे और ये वाला और इसको भी ऐड कर देंगे। अभी हम यहाँ पे इसको अनग्रुप कर देंगे और यहाँ पे ये वाला रंग डालेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। देखिए रेड पार्ट हमें यहाँ चाहिए, अभी यहाँ पे हमें ये वाला कलर चाहिए, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। बाद में ये जो बीच वाली पट्टी है उसको भी सेम कलर देंगे, लेकिन जो ये वाला पार्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा लाइट करेंगे, जिसे थोड़ी डेप्थ मिलेगी लोगों में इस तरह। बाद में अभी आई बनाएंगे हम बीच वाली, तो सर्कल लेते हैं, अल्ट्रा शिफ्ट के हाथ में एक आई बना लिए, उसको मैं इस टाइप का कलर देना चाहता हूँ और उसका शेड अप से डाउन लाना चाहता हूँ इस तरह। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे। उसको उल्टा कर देंगे, अब इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे और इसको थोड़ा बारीकी से थोड़ा इतना ही रखेंगे और उसका कलर में ये दे देता हूँ। आप सभी पीको में ये कलर कोड अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। बाद में बीच में ये काला इसका ही डुप्लीकेट कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ और बीच में यहाँ पे उसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। रेडियन मिल लेगा इस टाइप और दो सर्कल छोटा छोटा इधर भी बना देता हूँ। वाइट कलर देना चाहता हूँ। बाद में इस कॉपी लेता हूँ अल्ट्रा के साथ, यहाँ पे इसको थोड़ा स्मॉल बना देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ की और कॉपी लेता हूँ और इसको और छोटा बना देता हूँ यहाँ पे। बाद में इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ, सबसे ऊपर लाता हूँ अरेंज में ब्रिंग टू पॉइंट। बाद में ये वाला भाग है उसको मैं थोड़ा इधर खींच लेता हूँ और इसमें मैं ये वाला ग्रेडियंट डाल देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ। बाद में ये जो ब्लैक वाला है वाइट वाला है उसके ओपेसिटी जीरो कर देता हूँ और ब्लैक वाला भी 90% कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ से यहाँ तक देना चाहता हूँ। उसकी ट्रांसपेरेंसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बाद में ये जितना भी हमने सर्कल बनाया था उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसका मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ और अरेंज में सेंड टू बैक कर देता हूँ, तो इसके पीछे चला जाएगा। और ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला हमारा अपर आई का पार्ट था उसका शेडो पड़ेगा इधर, तो ब्लैक थोड़ा दिखेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्लैक और पे और ले लगाया है। मैं इसका गाइड डेटा दे रहा हूँ, क्लियर गाइड कर देता हूँ। तो ये आपका
आई लोगो तैयार हो गया है। सब कलर कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।